ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें हम देखेंगे कि प्लेसेंटा किस तरह से डेवलप होता है, जो कि हमारा मेजर फोकस है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको मंथली चेंजेस बता चुकी हूँ। ठीक है जी, अब प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हमने देखनी है। आई डोंट नो क्यों बच्चों को ये मुश्किल लगता है, ये बहुत ईजी है। बस आपने करना इतना है कि इसमें अपने प्रीवियस नॉलेज को भी रिकॉल करना है। ठीक है, मैं आपके साथ करती हूँ ज़रा सा डिटेल में। आपको पता है हमारे पास सबसे पहले जो है वो मेल गैमेट होता है, ठीक है, और फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, एग और स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। ये इनकी फर्टिलाइजेशन देखी थी हमने, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होती है, इन दोनों की फ्यूजन होती है और हमारे पास क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, जायगॉट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बन जाता है, जायगॉट, ठीक हो गया। अब इस जायगॉट में इम्प्लांट होना था, ठीक है। आपको पता है इस जायगॉट के ऊपर फर्दर जो भी क्लेवेज फॉर्मेशंस एंड ये वो करके हमारे पास इस पर डिवीजन्स होती हैं, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट इस जायगॉट से जो है वो हमारे पास टू सेल स्टेज आती है, देन हमारे पास क्या आती है, फोर सेल स्टेज आती है, देन हमारे पास क्या आ जाती है, एट सेल स्टेज आती है, ठीक है। जब ये एट सेल स्टेज आनी थी तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉम्पैक्शन का प्रोसेस होता है। उसमें हमारे पास ये जो मैसेज है ना, ये दो तरह के मैसेज, एक इनर सेल मैस बन जाता है और एक आउटर सेल मैस बन जाता है, ठीक है। यूं करके हमारे पास एक इनर सेल मैस और ये एक आउटर सेल मैस बन जाता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या था, बाहर वाला आउटर सेल मैस, ठीक है। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके जहन में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाए कि हमारे पास प्लेसेंटा है क्या, वो कैसे डेवलप हो रहा है, कहाँ से डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनर सेल मैस, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारे पास आउटर सेल मैस है इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। इसी ट्रोफोब्लास्ट में चेंजेस आने हैं और आपके पास प्लेसेंटा डेवलप होना है, जिसकी मैं आपसे बात करूंगी। और जबकि जो आपका इनर सेल मैस होता है ना, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट। ओके, ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है, इसने पूरे का पूरा एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है। बॉडी के सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स, जो कुछ बनना है वो किससे बनेगा, एम्ब्रियो ब्लास्ट से। एम्ब्रियो ब्लास्ट है क्या, इनर सेल मैस है। ये इनर सेल मैस कैसे आया है, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पैक्शन आया है ऑन एट सेल स्टेज। एट सेल स्टेज से पहले फोर सेल स्टेज, टू सेल स्टेज, जायगॉट, फर्टिलाइजेशन, और किससे हुई है, गैमेट से। ओके, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये सारे का सारा क्या बनाएगा, कवरिंग्स, ठीक है। एम्ब्रियो है और आपको पता है एम्ब्रियो जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट हुआ होता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा कवरिंग्स होती हैं। ये सारी कवरिंग्स जो हैं ये हमारे पास क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक इन नेचर होती हैं। ओके, अब हम बताते हैं कि हमारे पास ये एक मतलब कॉम्पैक्शन हो जाती है, एंड देन हमारे पास पता है आप लोगों को ब्लास्टोसील बनता है अंदर, कैविटीज या जो भी कुछ होता है, ठीक है। उस पर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट आता है, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो मेजर इवेंट्स हो रहे होते हैं उनमें हमारे पास जो है वो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन अभी जो है वो मेजर इम्प्लांटेशन सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में ही होती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन होती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनती है और ये सारी चीज़ें। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास ये है कि जो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट है ना, उसमें ये होता है कि जो इनर सेल मैस है ये हमारे पास दो लेयर्स में ऑर्गेनाइज होता है। उन दो लेयर्स को हम क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। इन दो लेयर्स को हम क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये जो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट है ना, ये आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं वीक ऑफ टू, ठीक है। वीक ऑफ टू इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, वो मतलब लाइक दो दो चीज़ें बन रही होती हैं। तो ये आपका जो इनर सेल मैस है ना, इसमें से क्या बन जाता है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इतनी बात हो गई। अब इस एपीब्लास्ट के ऊपर भी एक कैविटी बन जाती है और एक नीचे भी कैविटी बन जाती है। ये कैविटीज़ भी दो बनती हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे होते हैं, वीक ऑफ टू। ये हमारे पास होती है एमनियोटिक कैविटी, ये होती है हमारे पास योक सैक, ठीक है। इन सारी चीजों को मैं इसलिए डिटेल में नहीं लेके जा रही क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो अंदर था एम्ब्रियो ब्लास्ट, इसमें से तो ये बन गया। अब ये जो ऊपर ट्रोफोब्लास्ट है ना, इसमें चेंजेस आएंगे, उन्हीं चेंजेस ने क्या करना है, प्लेसेंटा को डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। इस ट्रोफोब्लास्ट में से ना दो लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। एक लेयर को हम कहते हैं, इनर लेयर को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आने हैं कुछ चेंजेस जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये दोनों लेयर्स हैं क्या, ये हैं ही ट्रोफोब्लास्ट। ये इनर सेल, इनर मतलब लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसको हम बोलते हैं सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो सिंगल न्यूक्लाई होता है। जो सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है वो मल्टी न्यूक्लाई सेल होते हैं। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजंस हो रही होती हैं, यहाँ नहीं हो रही होती, यहाँ पर प्रॉपर बाउंड्रीज होती हैं सेल्स के दरमियान, यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। ओके, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास है ना,
ठीक है, ये जो बीच में सारी आपको नजर आ रही है ना जगह, ये सारी जगह जो एमनियोटिक यॉक सैक के बाहर और जो आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है इनके अंदर वाली, ये जो सारी जगह है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, क्योंकि ये सारा तो एम्ब्रियो बनेगा ना, ये तो बात हमने कर ली। और ये क्या बनेगी? कवरिंग। इन दोनों के दरमियान एम्ब्रियो के बाहर जो पड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू पहले इस तरह से होता है, बाद में ये होता है कि इसके दरमियान जो स्पेसेस है ना ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे दो लेयर्स बन जाती हैं, एक इनर और एक आउटर लेयर बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे दरमियान से सारे मैस जो है डिसअपियर हो जाते हैं और यहाँ पे बन जाती है एक कैविटी जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। और ये कैविटी जो है दरमियान से बिल्कुल खाली हो जाती है, सिर्फ एक जगह पर ये कनेक्ट हुई हुई होती है आउटसाइड द एम्ब्रियो, और इसको इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग स्टॉक बोलेंगे। ये साइडों पर ना ऐसे हो जाएगी, ठीक है, दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो था। ठीक है, या इधर दरमियान से सारा जो है वो इम्पटी हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। इसको जो है सोमैटिक लेयर और इसको स्प्लांकलिक लेयर, तो ये लेयर्स भी दो बनती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वीक ऑफ टू। ओके, अब हम आ चुके हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा डेवेलप होना किस तरह से डेवेलप होगा बच्चों? आपने ये देखना है कि ये हमारे पास क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये आपको पता है क्या है? सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है? सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये अंदर इसके क्या है हमारे पास? वो एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी है, यॉर्क सैक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी उसकी इनर लेयर है। ठीक है, और ये उसकी क्या है? आउटर लेयर। असल में ये जो सारा रीजन है ना इसको हम क्रायोनिक प्लेट भी कहते हैं। अब एक चीज आपने जो याद रखनी है वो ये कि यहां से ना ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है यहां से निकलना शुरू होती हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू होते हैं और इनको ना हम विलायज बोलते हैं। ठीक है, अब ये विलायज जो है ना ये तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी विलाय होता है, सेकेंडरी विलाय होता है, टर्शरी विलाय होती है। क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि यहाँ से आपके पास क्या निकलते हैं? विलायज निकलते हैं। ठीक है, अब इन विलायज ने करना ये है कि ये हमारे पास ना यहाँ से जाएंगे। ठीक है, आपको पता है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है और यहाँ पर विलायज निकल रहे हैं। ठीक हो गया, ये विलायज जाके क्या करेंगे? ये जो सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है इसको पेनिट्रेट करेंगे और बाहर जाएंगे। ठीक है, ये इसको पेनिट्रेट कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यूं यूं यूं, ठीक है, ये ओके। यहाँ हमारे पास क्या है? ये विलायज से डेवलप हुए हैं और ये हमारे पास क्या कर रहे हैं? बल्कि हमने इसे थोड़ा सा रफ कर दिया है। मैं आपको दोबारा जो है वो ये बनवाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट लगेगा, हम इसको ज़रा जल्दी से बताते हैं। आपको बताइए आपका क्या है? सॉरी, आपका नहीं, ये क्या है हमारे पास? एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। ये हमारे पास क्या है? एमनियोटिक कैविटी। और ये क्या होती है? यॉर्क सैक। ठीक है, ये हमारे पास यॉर्क सैक होती है। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है ना यहाँ पर बिल्कुल साइड पर, ये हमारे पास है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की इनर लेयर और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की क्या होती है? आउटर लेयर। ठीक है, ये आउटर लेयर होगी। उसके बाद ना यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर आपको पता है साइटोट्रोफोब्लास्ट पड़ा होता है। ठीक है, और साइटोट्रोफोब्लास्ट में जो है वो एक ही न्यूक्लियस होता है, ये भी हमने देखा है, उसमें जो है वो स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये हमारे पास क्या होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट ये है और यहाँ पर ना हमारे पास पड़ा हुआ होता है सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल क्या होता है हमारे पास? सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये होता है एम्ब्रियोनिक पोल और इसको हम कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो एब एम्ब्रियोनिक पोल पे ना हमने इतनी ज़्यादा जो है वो ट्रोफोब्लास्ट की डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है? सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पर ना लैक्यूनास अपीयर होना शुरू होते हैं सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में। इनको हम क्या बोलते हैं? लैक्यूनर स्पेस, लैक्यूनास अपीयर होना शुरू होते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हेल्प करते हैं। किस तरह से करते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है आपने कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना इसमें से क्या निकलना शुरू होते हैं? विलाइज। ठीक है, ये क्या निकलना शुरू होते हैं हमारे पास? इनको हम कहते हैं विलाइज। जो विलाइज होते हैं ना ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी विलाय। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी विलाय। और एक हमारे पास क्या होता है? टर्शरी विलाय होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स निकल रहे हैं ना ये इतना ऊपर जाएंगे कि ये इस सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट को पेनिट्रेट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट को पेनिट्रेट कर रहे हैं और इस तरह से ये आउटसाइड जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पर भी था तो यहाँ से भी ये पेनिट्रेट करके गया है और यहाँ बाहर जाके ना ये एक शेल बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। इस शेल को हम क्या कहते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अंदर क्या था? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये बाहर सेंसिशियोट्रोफो
ट्रोफोब्लास्ट है, ये लेक्यूनर स्पेसेस हैं या लेक्यूनास हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट में से विलाइज निकले हैं, इन्होंने पेनिट्रेट किया, ये स्टेम विलाइज होते हैं, ये पेनिट्रेट करेंगे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट को, आउटसाइड जाएंगे और वहाँ पर जाकर एक शेल बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई है? तो अब मेरी बात सुने कि हमारे पास, मैंने आपको कहा है तीन तरह के विलाइज होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी विलाय, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी विलाय। प्राइमरी विलाय में आपने याद रखना है दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास क्या होती है, साइटोट्रोफोब्लास्टिक कोर होती है, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्टिक क्या होती है, कोर, और उसके ऊपर क्या होता है, सिंसिशियम। तो जब हमारे पास अंदर क्या होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट और ऊपर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की कवरिंग होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी विलाय। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्टिक कोर है, ठीक है, और ये पर क्या है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ना बच्चों। तो इस वाली कंडीशन में हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये एक प्राइमरी विलस है। ये याद रखना है, ये एपिब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, ये एमनियोटिक कैविटी है, ये